मोदी सरकार सबकी चर्चा का विषय बनी हुई है और खासकर विपक्षियों की, लेकिन बीजेपी पार्टी के समर्थक खुद ही पार्टी की आलोचना करने पर लगे हैं। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार पर फिर से हमला बोला है। तोगड़िया ने कहा है कि लोगों ने अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए मोदी सरकार को चुना था, तीन तलाक पर कानून बनाने के लिए नहीं। साथ ही तोगड़िया ने कहा कि सरकार को राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ करने के लिए एक कानून बनाना चाहिए ताकि इसका निर्माण जल्द हो सके। हमें न्यायपालिका पर भरोसा है, लेकिन चूंकि मंदिर नहीं बनाया गया है इसलिए इस बाबत एक कानून पारित करना चाहिए ताकि इसका निर्माण हो सके और इसके बगल में मस्जिद नहीं होनी चाहिए। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर सुनवाई स्थगित कर दी है। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली उच्चतम न्यायालय की एक पीठ ने गुरुवार को कहा था कि वे बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद पर दायर अपीलों की सुनवाई 14 मार्च को करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन टाइम्स।